शामली जनपद के थाना भवन इलाके में दहेज हत्या का मामला प्रकाश में आया है, जहां दहेज लोभी दानवों ने चंद रुपयों के खातिर एक विवाहिता को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। विवाहिता की हत्या का आरोप ससुराल पक्ष के लोगों पर है। बताया जा रहा है कि विवाहिता से शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे। दरअसल मृतक महिला का नाम मोनिका है, जो सहारनपुर जनपद के गांव रायपुर की निवासी थी। मोनिका की शादी 10 मार्च 2018 को शामली जनपद के गांव खानपुर निवासी राकेश के साथ हुई थी। मोनिका की माता की मृत्यु शादी से पहले ही हो गई थी और पिता की भी मानसिक स्थिति सही नहीं थी। हालांकि मोनिका के दो छोटे छोटे भाई हैं। मोनिका के घर में कोई कमाने वाला नहीं था, जिसके चलते मोनिका की शादी का जिम्मा सगे ताऊ के लड़कों ने उठाया और अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज देकर मोनिका की शादी की। लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष की ओर से पति राकेश व ससुर वीरेंद्र व जेठ और मृतका की सास संतोष दहेज का दबाव बना रहे थे। ससुराल पक्ष के लोग दहेज में एक मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे, जिसे लाने में मोनिका असमर्थ थी, क्योंकि पिता की मानसिक स्थिति खराब थी और घर में कमाने वाला कोई नहीं था। इसलिए उनसे कह पाने की मोनिका हिम्मत नहीं जुटा पाई और पति व ससुरालियों का उत्पीड़न चुपचाप सहती रही, जिसकी शिकायत एक बार मोनिका ने परिजनों से भी की, जिस पर ससुराल पक्ष ने अपनी गलती मानकर मामले को निपटा लिया था। लेकिन कुछ समय पश्चात मोनिका पर दोबारा फिर से अत्याचार करना शुरू कर दिया और नौबत यहां तक आ पहुंची कि ससुराल वालों ने मोनिका को जिंदा जला डाला, मोनिका के शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग के हवाले कर दिया और आरोपी ससुराल वाले वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। मोनिका के जलने की सूचना ससुराल पक्ष की तरफ से ही परिजनों को दी गई, जिस पर मोनिका का भाई रमन परिवार के कुछ लोगों के साथ मोनिका के ससुराल पहुंचा और जैसे ही घर में दाखिल हुए तो परिजनों के होश उड़ गए, क्योंकि मोनिका गंभीर अवस्था में झुलसी हुई अपने मकान में पड़ी थी, जहां से मोनिका को गंभीर हालत में CHC में भर्ती कराया गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने मोनिका की हालत को चिंताजनक देखते हुए हायर सेंटर मेरठ के लिए रेफर कर दिया। जैसे ही परिजन मोनिका को उपचार के लिए मेरठ ले जा रहे थे, उसी दौरान मोनिका ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजन मोनिका के शव को लेकर थाने पहुंचे और आरोपी ससुराल वालों के खिलाफ मामले की नामजद तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की। उधर पुलिस अधिकारी का कहना है कि पीड़ित परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? रमन कुमार। रमन, कहाँ के रहने वाले हो? रायपुर। रमन, आपने अपनी बहन की शादी कब, कहाँ और कैसे की थी? 10 मार्च को की थी, 2018 में। खानपुर गाँव है, यही भगवानपुर से, सॉरी थाना भवन से 3 किलोमीटर पड़ता है। किसके साथ की थी? राकेश कुमार है, महेंद्र जिंग का लड़ा है। और क्या देखने को आया सामने जी? अब क्या देखने को मिला है सामने, जो आप इतनी रात गए थाने में हो? भाई, इन्होंने मेरी बहन की हत्या कर दी है जला के। वो प्रेगनेंट भी थी 8 महीने की, मतलब बहुत बड़ा दुष्कर्म है। इनकी सजा इसको मिलकर रहेगी। बस मैं यही तहरीर देने के लिए आया हूँ कि यहाँ जो भी इसका, मतलब मेरा जो हुआ है हस्बैंड, उसका जो हस्बैंड है राकेश, उसको मैंने एक दो मतलब महीने से समझाया था, मैं भाई ऐसे ऐसे बात है, पहले कोई इस तरह की बात सामने आई थी क्या? हाँ, एक दो बार आई है, तो हमने मिलजुल कर रिश्तेदारों से तो इन्हें समझाया था, तो कुछ दिन सही रही बात, तो अब इन्होंने बाइक की डिमांड करनी शुरू कर दी। अब बाइक कहाँ से दें? ताऊ की बेटी है, शादी कर दी थी, अब तक कर्जा तो नहीं उतरा। अब शादी के बाद बाइक की डिमांड करनी इसने शुरू कर दी थी 2 महीने बाद ही। लड़की ने बताया नहीं घर, क्योंकि भाई को पता ही है उसने कहाँ से देनी है, पैसे तो है नहीं, कहाँ से देगा। तो अब यही है कि बाइक हमारे पास है नहीं, इन्होंने क्या कर दिया आज? उन्होंने हत्या कर दी उसकी। किस तरह से हत्या? मार दी, जला के मारा। खानपुर में मोनिका नाम की एक बहू थी, जो आग लगा के जल के मर गई थी। ये खानपुर थाना भवन फामली में पड़ता है और उसके परिजन ससुराल वो मायके वाले आकर तहरीर दिए हैं, उस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी इन लोगों पर? उसमें जो तहरीर दिए हैं, किन लोगों के खिलाफ तहरीर दी है इनके मायके वालों ने? उन्होंने उनके पति फाफ और सफर के नाम पे तहरीर लिख के दिए हैं, तो उसी हिसाब से उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत की जाएगी।